नमस्कार। मोदी सरकार का एजेंडा है सबका साथ सबका विकास, लेकिन विकास में जो सबसे बड़ी बाधक चीज है वो हिंदुस्तान की बढ़ती हुई आबादी। इसलिए अब जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग हो रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी ने लगातार मांग करते रहे हैं कि हिंदुस्तान की आबादी पर किसी तरह से नियंत्रण किया जाए ताकि सबका विकास बेहतर तरीके हो सके। गिरिराज सिंह जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है एचएस न्यूज पर। हिंदुस्तान की सरकार जो है वो विकास के एजेंडा पर चल रही है, लेकिन आप इस समय मांग कर रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून की, ये बात जो है उसके साथ चल रही है या आप अपना एजेंडा अलग से चलाना चाहते हैं? नहीं, देखिए, ये एजेंडा देश का एजेंडा है। मैं 2008 से इस बात पे चर्चा कर रहा हूं, किसी का विकास, समग्र विकास के लिए समग्र योजनाएं होती है। दुनिया में एक ऐसा देश है जिसने अभी अपने को विकास की ऊंचाई पर ऊपर ले जाने का काम किया, उसका नाम है चाइना। 1979 से उसने जनसंख्या नियंत्रण का काम शुरू किया। कई समीक्षकों का है रिपोर्ट कि आज अगर चाइना उस ऊंचाई पर अपने को पहुंचाने का काम किया है, उसमें जनसंख्या नियंत्रण एक बहुत बड़ा आधार है। 79 से लेके अब तक 60 करोड़ आबादी को उसने रोकने का काम किया। कोई कार्यक्रम करे, वहाँ अनमैनेज्ड ग्रोथ हो जाए, वहाँ भीड़ आ जाए, तो मैं नहीं समझता कि कोई किसी व्यक्ति को किसी भी जगह किसी भी व्यवस्था में मैनेज करने में सुविधा होगी। अगर मैं दूसरी बात आपसे कहूं कि विकास और इंटरनल रेवेन्यू रिसोर्सेज रिसिप्ट, ये दोनों का संबंध है। हमारे गांव की कहावत है कि जेब में पैसा ना हो तो किसी सराय यानी धर्मशाला में डेरा कहाँ से दे पाओगे। आज पूरी दुनिया की आबादी का मोर देन 18% 18% भारत की आबादी का शेयर है दुनिया की आबादी में, लेकिन जमीन कितना है, लोग 2.5 कहते हैं, कई टीकाकारों का कहना अब तो 2% बचा, 2% से करीबन 2%, पानी 4% बच गया, 92 रिजर्व वायर जिसमें मात्र 22% पानी बच गए, 3-4% हर साल पानी का लेवल गिर रहा है। और उस स्थिति में आज भारत की आबादी कितनी है, सरकार बोलती है 2011 के मुताबिक 125 करोड़, एक वर्ल्डोमीटर है वो कहता है 136 करोड़, आपके जो आधार कार्ड बनाए उन्होंने 122 करोड़ बनाया लेकिन कुछ छूटा है। कई समीक्षक कहते हैं वो कुछ छूटा में कम से कम 20-25 करोड़ छूटा, यानी 140-141 करोड़। और रोहिंग्या जैसे, बांग्लादेशी जैसे, अनरजिस्टर्ड जैसे लोगों को सच कबूलना चाहिए कि आज भारत की आबादी लगभग चाइना के बराबर हो गया है। लेकिन सर, आपकी चिंता ठीक है, लेकिन ये चिंता आपको थोड़ा देर से नहीं आई? अब तो 5 साल में से 4.5 साल आपकी सरकार के निकल गए, अब जाते जाते आपको अचानक हिंदुस्तान की आबादी याद आने लगी। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ये सरकार के एजेंडे की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं इसे 2008 से जब बिहार में सरकार में था उस समय से ये उठा रहा हूँ। भारत का दुर्भाग्य है, आपकी आवाज तो बहुत ताकतवर आवाज है। नहीं, ताकतवर जोर से बोलने से नहीं होती है। जब 150 करोड़ सुनते हैं लोग, जब 140 करोड़ लोग सब मिल करके ये आवाज लगाएंगे तभी ये आवाज कानून में परिवर्तित होगा। मैं इसीलिए ये आवाज उठा रहा हूं, और इसके दो कारण है। केवल सबका साथ सबका विकास हमारी भारत सरकार की एजेंडा है, हम काम भी नरेंद्र मोदी ने उस पर करके दिखाया है। जो डेवलपमेंट का है उस पर मैं अभी चर्चा नहीं करना चाहता कि रेल का कितना गुना पटरियां बैठी, गाड़ियां कितना बैठी, सड़कें कितनी बनी,
स्पेस पर क्या, मैं उस पर बात नहीं करना चाहता, लेकिन इस विकास के साथ सामाजिक समरसता भी चाहिए। आज विकास, ये जनसंख्या विकास के लिए अवरोधक बन गया है। कुछ लोग कहते हैं कि साहब एक तरफ डिविडेंड कहते हो पॉपुलेशन, और आप इसको कह रहे हो कि परेशानी है। डिविडेंड तभी होगा जब मैं उनके लिए, आज मैं बॉर्डर पर, पाकिस्तान बॉर्डर पर सेना को खड़ा कर दूं और उसके हाथ में वो एम्यूशन ना दूं, वो आर्म्स ना दूं, वो वेपन ना दूं जिससे वो दुश्मनों का मुकाबला कर पाए, उसकी ट्रेनिंग ना दूं, तो वो सेना, 12 लाख सेना मेरे लिए, देश के लिए क्या होगा? उसी तरह से आज चाइना और हम लगभग बराबर आ गए हैं। वे 1 मिनट में 11 बच्चा पैदा कर रहे हैं, मैं 3 गुना कर रहा हूं उनसे प्रति मिनट, जबकि हमसे जमीन 3 गुना है, GDP 3 गुना है, रिसोर्सेस हमसे ज्यादा है, तो हमें तो दुनिया से ये सीख लेनी चाहिए। लेकिन भारत का दुर्भाग्य है साहब कि हर चीज में वोटर भगवान आ जाते हैं। ये भगवान इतने सब जगह अखंड रूप से मंडलाकार हैं कि वोटर भगवान हर जगह उपस्थित हो जाते हैं। विकास की चर्चा करो तब, जनसंख्या की बात करो तब, पूरी लोग कहते हैं कि ये वोटर भगवान की वजह से ही आप जनसंख्या की चर्चा कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि गिरिराज सिंह जी के जो तीर कमान जो है उसमें बहुत तीर होते हैं और वो तीर चलाते हैं, लेकिन उनके तीर सीधे नहीं लगते, वो कहीं घूमकर किसी दूसरे जगह पर जाते हैं। आपकी मंशा पर है ना लोग शक करते हैं। मुझसे बहस करें खुली चुनौती के साथ, सड़क से लेकर संसद तक गिरिराज बहस करने को तैयार है कि विकास में बढ़ती हुई आबादी किसका रोल है? बढ़ती आबादी में जो बढ़ती हुई आबादी कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं ये जो कर रहे हैं? कौन कर रहे हैं सर? आप तो मैं किसी को इंगित नहीं कर रहा, लेकिन आपको तकलीफ क्यों हो रही है? चोर के दाढ़ी में तिनका। आपसे जानना चाहते हैं कि कौन कर रहा है बढ़ती वही आबादी? कर रहे हैं जो इसे वोट और धर्म से जोड़ रहे हैं। पूरे दुनिया में 22 देश है मुस्लिम देश जहां जनसंख्या नियंत्रण के लिए बातें हो रही है, लोग कर रहे हैं। भारत में कहते हैं मेरे धर्म में है, अल्लाह ताला ने कहा। अरे भैया, अल्लाह ताला ने तो बहुत अच्छा कहा। अल्लाह ताला ने तो कहा चोरी करोगे तो हाथ काट देना, तो जरा उसको भी ध्यान में रखो। केवल भारत के अंदर ये शरीयत की बात करने वाले लोग इस विकास को अवरुद्ध करना चाहते हैं और सामाजिक समरसता को तोड़ रहे हैं। भारत में जहां जहां विकास और सामाजिक समरसता दोनों साथ चले तब वो विकास का ज्यादा आनंद है। लेकिन मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं कि ये पॉपुलेशन डेमोग्राफी एक ऐसा चेंज हुआ है कि विकास के लिए भी बाधक है और सामाजिक समरसता के लिए। आप कह रहे हैं कि मुसलमान जो है हिंदुस्तान की सामाजिक समरसता और विकास में बाधक है? मैं नहीं कह रहा हूं भैया, जहां जहां उनकी आबादी बढ़ी है क्या कारण है? देश का कोई, मैं चुनौती के साथ कहता हूं, मैं बिहार का रहने वाला हूं, मेरे गांव में 99% नहीं 99.5% हमारे समाज यानी हिंदू समाज के लोग हैं, 0.5% उनका होगा। चमचमाता हुआ मस्जिद है, किसी ने नहीं पूछा कि भाई ये पैसे कहाँ से लाए हो, तुम्हारे आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। रोज अनजान चेहरे आते, किसी ने नहीं पूछा कि ये रोहिंग्या है कि बांग्लादेशी है। ये है सनातनी मन, ये है हिंदू मन, ये है बहुसंख्यक मन, और हम इसी आधार पे भारत को बनाया भी था। लेकिन गिरिराज जी का हिंदू मन जो है उसका जो फोकस है वो मुसलमान है, ज्यादा ध्यान रहता है आपको मुसलमानों का? नहीं, मुसलमानों से तो मैं प्यार करता हूँ, मेरे पूर्वजों ने तो प्यार किया, हमने देश को नहीं बांटा था। मुसलमान के नेता जिन्ना ने देश का बंटवारा किया, और जो हमारे परिवार के लोग गए हिंदू या वहां थे,
वो 22% से एक मीडिया का है रिपोर्ट, 22% से 1% से नीचा बच गया। हजारों मंदिरें टूट गई, आराधना के केंद्र खत्म हो गए, आस्था के केंद्र खत्म हो गए, लेकिन हमने तो इतना प्यार किया, कहा तुम यहीं रहो, हम दोनों भाईचारे मिल करके हम एक दूसरे से गले लगेंगे। लाखों मस्जिदें बनी, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत। लेकिन भारत के अंदर जहां जहां हिंदुओं की जनसंख्या गिर रही है, वहां वहां सामाजिक समरसता टूट रहा है। मैंने तो दिखा दिया 99% का, और 0.5% का दिखा दूं, उनसे पूछ लेना। भोजपुर एक जिला है, वो जो आर के सिन्हा राज्यसभा सदस्य हैं उनसे पूछिएगा, उन भोजपुर में एक शाहपुर थाना है, शाहपुर थाना के बगल में रानी सागर गांव है जो डुमराव से पहले है, 10% गरीब हिंदू हैं, 7 मस्जिदें हैं, 1 मंदिर है, मस्जिदों से आवाज़ होती, मंदिरों से आवाज़ नहीं होती, ये सामाजिक समरसता है। 28 दुकानों को पुलिस के सामने में किरासन तेल छिड़क के आग लगा दी। देश सेकुलर, लोग कहते हैं कि हम सेकुलर हैं, और सेकुलरिज्म में लगता है कि इस बहुसंख्यक अपने को सेकुलर नहीं कह सकता, क्योंकि हमारे DNA में सेकुलरिज्म है। जी, आपने जो कहा सेकुलरिज्म की बात, लेकिन अभी आपका एक बयान आया कि आपने कहा दारुल उलूम देवबंद जो है मुसलमानों का एक बड़ा एजुकेशन सेंटर माना जाता है एजुकेशन के लिए, उसको आपने कहा कि वहां से हाफिज सईद जैसे, बगदादी जैसे आतंकी पैदा होते हैं। मैंने ये कहा कि मैं गया था वहां स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी से मिलने, देवबंद में ही उनका गुरुकुल चलता है, उनकी स्वास्थ्य खराब थी, और जब मैंने वहाँ देखा, वहाँ के जो आचार्य निकलते वो देश के संस्कार और संस्कृति और भाईचारे में, लेकिन देवबंद, ये बगदादी देवबंद का पढ़ा हुआ, तो मैंने तो यही कहा देवबंद का सबसे सुपात्र पुत्र बगदादी है, तो यानी आतंक का वहाँ शिक्षा दी जाती है और नफरत का बीज भी बोया जाता है। लेकिन दारुल उलूम ने कहा कि सबसे पहला फतवा जो है 2008 में आतंकवाद के खिलाफ देवबंद ने जारी किया। कहां देवबंद जाए, जरा कश्मीर में जाकर के आतंकवादियों की, उनके कई शिष्य हैं जो कश्मीर से हैं, जाके जाए, जिस समय हमारे सुरक्षा कर्मियों पर पत्थर फेंके जाते हैं उस समय खड़े होके कहे कि देवबंद इस धर्म का एक पूरक है, एक धर्म का प्रतीक है, एक धर्म की संस्था है, ये कभी नहीं होने देगा सुरक्षा कर्मियों के साथ ये दुष्व्यवहार और देश के प्रति ये दुराग्रह, लेकिन कभी नहीं आवाज उठी, कभी ये आवाज नहीं उठी। आप दारुल उलूम को आतंकी संस्थान मानते? मैंने तो कहा बगदादी वहीं का है, मैं मानू या ना मानू पूरी दुनिया देख रहा है, आप माने ना माने ये आपकी मर्जी, लेकिन दुनिया तो देख रहा है बगदादी यहीं से पढ़ के निकला, अब बगदादी जैसे कई लोग निकले तो क्या मानूंगा। तो मतलब परेशानी सारी मुसलमानों से है इस देश को? भाई हमें तो कोई परेशानी नहीं है, हमने तो अपना धर्म का, जो मेरा जब बंटवारा हुआ तो हमने तो हिंदू कोड बिल को खत्म कर दिया, लेकिन पंडित नेहरू ने ये बीज बो दिया, वहाँ शरीयत का कानून रह गया। अब वो कह रहे हैं भारत के हर जिले में एक शरीयत कोर्ट लगनी चाहिए, मैं तो नहीं कह रहा, मेरे किसी शंकराचार्य ने तो नहीं कहा, किसी धर्म गुरु ने नहीं कहा, तो देश में नफरत का बीज कौन बो रहा है, देश को कौन तबाह करना चाहता है, देश को कौन सीरिया बनाना चाहता है, देश को कौन इराक बनाना चाहता है, ये वही लोग बना रहे हैं जो ऐसी शिक्षा लेकर के ऐसे वातावरण बना रहे हैं। सर, एक और अहम मुद्दा रहा हिंदू धर्म से जुड़ा, वो है राम मंदिर निर्माण का। आप सबसे मुखर वॉइस जो है माना जाता है, आवाज माना जाता है राम मंदिर निर्माण को, लेकिन बात तो बनी नहीं कुछ। मैं तो आप ही से पूछता हूं, आपने क्या किया? आप भी मैं नहीं जानता कि आप मुसलमान हैं कि हिंदू हैं,
अगर हिंदू हैं तो आपके मन में अगर राम के प्रति श्रद्धा है तो आपने क्या किया? ये नेहरू ने नफरत का बीज 1952 में बोया, और वो बीज अगर काश सरदार पटेल देश का प्रधानमंत्री होते, 47 में ही उनको अंतरिम बना दिया गया होता, तो जैसे सोमनाथ बन गया, भारत में करोड़ों हिंदुओं के आस्था का केंद्र कृष्ण, मथुरा, काशी और अयोध्या का मंदिर। काश तो ऐसा एक्सक्यूज है कि उससे तो पता नहीं क्या क्या हो जाता। काश में सरदार पटेल नहीं रहे, लेकिन आज तो गिरिराज सिंह हैं। नहीं, गिरिराज से काश से क्या फर्क पड़ेगा? काश से खूब फर्क पड़ता है, अब बदलना पड़ेगा। काश इतिहास को याद दिलाता है, इतिहास के पन्ने भविष्य को दोहराता है, और काश। लेकिन हम तो उम्मीद करते हैं सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर सरदार पटेल और राजेंद्र बाबू की स्मृति को मैं चिन्ह मानता हूं। उन्होंने, अगर नेहरू ने जानबूझ के नफरत का दीवार खड़ा किया कि अयोध्या, काशी, मथुरा अगर उसी समय बन गए होते तो आज भारत में शरियत कोट लगाने की बात नहीं होती, आज कोई नहीं कहता कि वहां जाओ। आज जो लोग कह रहे हैं कि मेरा गोत्र कौल है और मैं दत्तात्रेय कौल ब्राह्मण हूं, दत्तात्रेय, नहीं कोई आपत्ति नहीं, उनका भी नहीं अब तक हो रहा है कि मेरा गोत्र कहां भटक रहा है 7 लाख, मेरा बिरादर कहां भटक रहा है। आपकी वजह से बताना पड़ा, आप जानना चाहते थे कि उनका गोत्र कौन सा है। हम तो हमारे पिताजी अगर धर्म परिवर्तन कर लेते तो मेरा गोत्र तो वही होता जो पिताजी का गोत्र है, बाबा का गोत्र जो बाबा का गोत्र होता वो पिताजी का गोत्र, और जो पिताजी का गोत्र वो मेरा गोत्र। मैं किसी पर आरोप नहीं लगाता, लोग यही जानते हैं, अब जबरदस्ती जिसको जो बनना है बने। सर मंदिर की बात कर रहे थे तो अब मैं वही कह रहा था, मंदिर बनेगा कि मैं वही कह रहा था, अगर 1963 में हजरत साहब के बाल खोने से अगर पूरा भूकंप आ सकता है, 1990 में 7 लाख पंडितों और हिंदुओं को भगाने के बाद किसी की जुबान न खुले, आज देश के तमाम हिंदुओं को श्री राम के पुरुषार्थ को जगाना होगा। जिस दिन जगेगा उस दिन मंदिर बनेगा, मंदिर बनने से कोई नहीं रोक सकता। फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि कहीं मंदिर बन जाए, फारूक अब्दुल्ला से मैं पूछना चाहता हूं कि देश और दुनिया के मुसलमान क्या मक्का मदीना हज करने के बजाय वेटिकन सिटी में जाएंगे? नहीं जाएंगे, क्योंकि उनका आस्था का केंद्र है। तो हिंदुओं की आस्था का केंद्र राम जन्मभूमि अयोध्या है, आस्था का केंद्र है, उसके बगैर कहीं नहीं। तो सर 2019 से पहले कुछ काम होगा? आप चिंता न करें, आप सरकार की बात बार बार ले आते हैं, मुझे दुख है, ये हम सरकार के ऊपर नहीं छोड़ना चाहते, ये कोर्ट के ऊपर नहीं। सरकार कर नहीं सकती? मैं अभी आप सोमनाथ मैं अपने हिंदू सरकार की बात मैं अपने हिंदू समाज से आग्रह करता हूं, तुम अपने अंदर पुरुषार्थ जगाओ। अगर 1963 में हजरत साहब का खोया हुआ बाल मिल सकता है तो हमारे उद्धव ठाकरे साहब की बात ठीक है कि सरकार रहे ना रहे मंदिर बनेगा। उद्धव ठाकरे क्या बोलते हैं हम उसमें नहीं जाना चाहते, लेकिन मैं कह रहा हूं कि 1963 में अगर बाल खो सकता है और मिल सकता है, भूकंप आ सकता है, कश्मीर से हिंदुओं को भगाया जा सकता है, तुम अपने पुरुषार्थ को जगाओ, जिस दिन पुरुषार्थ जगाओगे उसी दिन मंदिर बनेगा। कोई रास्ता है? आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ, मंदिर मैं तो कह रहा हूँ हिंदू का पुरुषार्थ जगेगा। तुलसीदास के राम जो हैं वो 14 साल वनवास में रहे, रामचरितमानस में तुलसीदास का जो राम है, भगवान राम है, वो 14 साल वनवास में। तुलसीदास के राम नहीं है, भारत के राम है, यानी आप रामायण का कह रहे हैं कि वो काल्पनिक है? नहीं नहीं, हम ये कह रहे हैं कि तुलसीदास के रामचरितमानस में 14 साल वनवास में रहे, गिरिराज सिंह जी के जो राम हैं वो गिरिराज सिंह के राम नहीं, 25 साल से बैठे हुए हैं, गिरिराज सिंह के राम नहीं, भारत के करोड़ों 100 करोड़ हिंदुओं के रहते हुए 26 साल से त्रिपाल में बैठे हुए हैं, 100 करोड़ हिंदुओं का पुरुषार्थ जगेगा, त्रिपाल से भव्य मंदिर बनेगा। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत धन्यवाद आप। हम हैं हिंदुस्तान समाचार, हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें।